हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थोगोनल बेसिस, लाम्बिक आधार। लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। जैसे कि दो वेक्टर हम लोग लेते हैं अल्फा बीटा, अगर इनका इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है तब तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो अल्फा और बीटा दो जो वेक्टर हैं अल्फा बीटा, ये क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, लाम्बिक लाम्बिक सदिश हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने देखा था। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर का डेफिनेशन हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमने देखा था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमने एक थ्योरम प्रूव किया था। अब आज देखते हैं कि ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होता है। लेकिन ऑर्थोगोनल बेसिस से पहले हम लोग को ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होता है इसको देखना पड़ेगा, लाम्बिक समुच्चय क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एस किसी आंतर गुणन समष्टि वी में सदिशों का एक समुच्चय है। ठीक है, S एक सदिशों का समुच्चय है। V में बोला गया मतलब कि S क्या होगा? सबसेट होगा V का। ठीक है, तब समुच्चय S जो सबसेट है V का एक लाम्बिक समुच्चय ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है यदि S में कोई दो भिन्न भिन्न सदिश लाम्बिक हैं। ठीक है, S में कोई दो भिन्न भिन्न सदिश लाम्बिक हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ पे जैसे कि दो भिन्न भिन्न सदिश लाम्बिक है, मतलब कि S में हो सकता है अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। मान लेते हैं तीन एलिमेंट है उसमें, तो अल्फा बीटा क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तभी वो लाम्बिक होंगे। बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, और गामा अल्फा का भी इनर प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक का इनर प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल होता है तो ये जो सेट बनेंगे, ठीक है, ये जो सेट बनेगा S का, ये सेट कैसा सेट होगा? ऑर्थोगोनल सेट होगा, लाम्बिक समुच्चय होगा, अगर उसके हर एक एलिमेंट दो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है। मतलब कि वो एक दूसरे के लाम्बिक हैं, पूरे के पूरे वेक्टर अगर एक दूसरे के लाम्बिक हैं तब उसको बोलते हैं लाम्बिक समुच्चय ऑर्थोगोनल सेट। अब आते हैं लाम्बिक आधार क्या होता है, ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं S एक लाम्बिक समुच्चय है। ठीक है, S एक लाम्बिक समुच्चय मतलब उसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे? लाम्बिक होंगे, एक दूसरे पर लाम्बिक होंगे। ठीक है, यदि लाम्बिक समुच्चय S आंतर गुणन समष्टि V का आधार बनाता हो तो S को लाम्बिक आधार कहा जाता है। ठीक है, अगर S जो है आधार बनाता हो तो क्या कहलाता है? लाम्बिक आधार कहते हैं। अब आधार हम लोग कैसे बनाते थे, ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे बनाते थे? जब हम लोग नॉर्मल बेसिस बनाते हैं तो क्या होता है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये सेट S हो गया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर पूरे के पूरे V को जनरेट करता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड क्या था? ये जो तीन वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर होंगे। सेट S बनेगा वो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, रैखिकता स्वतंत्र होगा। इन सब के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, मतलब यूनिट नंबर 1 में। यूनिट 3 में इसका पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है कि कब कोई भी सेट या V का सबसेट क्या कहलाता है? बेसिस कहलाता है। जब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन V को जनरेट करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन V के इक्वल होता है, और S जो होगा, जो सेट बनेगा, वो सेट क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं बेसिस। और यहाँ पे S क्या है? लाम्बिक समुच्चय है, और लाम्बिक समुच्चय का जो बेसिस होगा वो क्या होगा? लाम्बिक आधार होगा, ऑर्थोगोनल बेसिस होगा, लाम्बिक बेसिस होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये चीज हो गया। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम में बोला गया है कि एक आंतर गुणन समष्टि V में शून्येतर, शून्येतर मतलब नॉन जीरो सदिशों का कोई लाम्बिक समुच्चय, नॉन जीरो सदिशों का कोई लाम्बिक समुच्चय ऑर्थोगोनल सेट एक घातांक स्वतंत्र होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। हमें यह प्रूव करना, मतलब ये जो हमने डेफिनेशन देखा लाम्बिक समुच्चय का, उसी डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। क्या था डेफिनेशन? कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के लंबवत होंगे या फिर लाम्बिक होंगे। ठीक है, एक दूसरे का लाम्बिक सदिश होगा। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि S एक आंतर गुणन समष्टि V में शून्येतर सदिशों का एक लाम्बिक समुच्चय है, तो जिसे मान लिया गया है S1 is equal to alpha 1, alpha 2, up to so on, alpha m। m भिन्न भिन्न सदिशों को अंतर्विष्ट करने वाला S का एक परिमित उपसमुच्चय है। मान लेते हैं कि ए आई अल्फा आई का समेशन किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, यह मान लेते हैं। ठीक है, ये सब
जीरो के इक्वल होगा। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई इज इक्वल टू ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू अप टू सो ऑन ए एम अल्फा एम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एम, इसको हमें प्रूफ करना है कि सारे के सारे स्केलर ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एम ये किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। हमने देखा था कंडीशन कि लिनियरली इंडिपेंडेंट या लिनियरली डिपेंडेंट के लिए, इस प्रकार से हम एक स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी वेक्टर स्केलर के मल्टीप्लिकेशन होता है सबको सम करके जीरो के इक्वल लिखते हैं, और उसके बाद अगर पूरे के पूरे स्केलर वैल्यू जीरो के इक्वल आते हैं तब हम उसको बोलते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ऐसा स्केलर वैल्यू मिल जाए जो कि नॉन जीरो आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एम सारे के सारे स्केलर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं प्रत्येक के लिए, जहां के जो है वन से एम में एम तक है, ठीक है, के क्या है वन से एम तक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वन से एम तक लिए हैं। तो इसके बाद देखिए समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई, ये एक वेक्टर हो गया और अल्फा के दूसरा वेक्टर हो गया। तो ए आई अल्फा आई, अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आई इक्वल टू वन टू एम तक, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू सो ऑन ए एम अल्फा एम, और यहाँ पे अल्फा के अब सबको प्रॉपरली सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि सबका पेयर बना देते हैं। तो ए वन अल्फा वन अल्फा के, ए टू अल्फा टू अल्फा के, ए थ्री अल्फा थ्री अल्फा के, अप टू सो ऑन ए एम अल्फा एम अल्फा के, तो सबके साथ पेयर बन गया, और ए वन ए टू सबसे बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, ए वन अल्फा वन अल्फा के, ए टू अल्फा टू अल्फा के प्लस अप टू सो ऑन ए एम अल्फा एम अल्फा के, ये आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा एम, सारे के सारे क्या है, लाम्बिक समुच्चय का एलिमेंट है। लाम्बिक समुच्चय के एलिमेंट कैसे होते हैं, एक दूसरे से लाम्बिक बना लाम्बिक सदिश होते हैं, एक दूसरे के लाम्बिक होते हैं। मतलब कि अल्फा वन अल्फा टू का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अल्फा वन अल्फा थ्री का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीरो के इक्वल होगा। अल्फा टू अल्फा थ्री का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे जीरो के इक्वल होगा। अल्फा वन अल्फा टेन का निकालेंगे जीरो के इक्वल होगा। अल्फा वन अल्फा एम का जो है इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये यही कहता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट जो है यही होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ए वन अल्फा अल्फा वन अल्फा के, अल्फा टू अल्फा के, अप टू सो वन अल्फा एम अल्फा के। अब हो सकता है यहाँ कहीं बीच में, ठीक है, ये अल्फा वन अल्फा टू सो वन अल्फा के और अल्फा के मिला होगा सेम सेम, तो इसको हम जीरो के इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, अल्फा अल्फा सेम सेम अगर एलिमेंट है उसमें तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे लेकिन अल्फा के वाला जो टर्म है वो बच जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में, ए के अल्फा के अल्फा के, जो कि किसके इक्वल होगा, ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे परंतु समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कहता है कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है। फलतः अगर इसमें इनर प्रोडक्ट लगाए हम इसमें, ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट लगाने पर हमें क्या मिलता था, ये देखो ये जो है किसके इक्वल आ रहा है, समेशन ऑफ ए आई अल्फा आई हम क्या मान के चले थे, जीरो के इक्वल मान के चलते हैं। तो इस पूरी को किसके इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल रख दिया, तो जीरो इंटू अल्फा के, और किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट निकालने पर क्या मिलता है, हम लोग को जीरो ही मिलता है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा जीरो के इक्वल होगा, और हमने यहाँ पे भी इसका वैल्यू निकाला है, ये किसके इक्वल आ गया, अल्फा ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के होल स्क्वायर। अब देखो समीकरण नंबर इसको एक मान लो और इसको समीकरण नंबर दो मान लो, या फिर यहाँ पे समीकरण नंबर दो माना गया है, इसको समीकरण नंबर तीन मान लो। समीकरण दो और तीन से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दोनों की सेम है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि राइट साइड की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, मतलब ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि राइट साइड में इसमें जीरो है, इसमें राइट साइड में ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसके बाद में हमें क्या मिल गया, ए के
नॉर्म ऑफ अल्फा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल के इज इक्वल टू वन टू एम, या फिर इसको बोल सकते हैं वन इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू एम। हम ये जानते हैं कि अल्फा के नॉन जीरो है, ठीक है, अल्फा के जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो अगर अल्फा के नॉन जीरो है तो अल्फा के साथ में अल्फा के का इनर प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर अल्फा के नॉन जीरो है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर नॉन जीरो होगा। देयरफॉर समुच्चय एस वन, अगर ये अल्फा के नॉन जीरो होगा तो जीरो किसको होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जीरो लाना है तो जीरो होना पड़ेगा ए के को, इसलिए यहाँ पे ए के क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब ए के जीरो के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है, ए वन भी जीरो के इक्वल होगा क्योंकि के इज इक्वल टू वन टू एम है, ए टू भी जीरो के इक्वल होगा, ए थ्री भी जीरो के इक्वल होगा, अप टू सो ऑन ए एम भी जीरो के इक्वल होगा। तो सारे के सारे स्केलर क्या हो गए, जीरो के इक्वल हो गए। मैंने यही कहा था अगर ये पूरे के पूरे स्केलर जीरो के इक्वल आ जाते हैं तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर है अल्फा वन अल्फा टू टू सो ऑन अल्फा एम, ये सभी सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और हमें यही प्रूफ करना था, यहां से क्या इंप्लाई कर गया कि समुच्चय एस वन एक घात स्वतंत्र होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि समुच्चय एस वन में वही एलिमेंट है जो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिए थे, मतलब वही वेक्टर है जो वेक्टर हमने यहाँ पे लिया था अल्फा वन अल्फा टू टू सो ऑन अल्फा एम, और हमें यही प्रूफ करना था। अतः S1 एक घातता स्वतंत्र लिनियरली इंडिपेंडेंट है, अतएव S का प्रत्येक परिमित उपसमुच्चय एक घातता स्वतंत्र होगा, फलतः S एक घातता स्वतंत्र है, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।